हेलो दोस्तों, आज मैं आपको लेकर चलूँगा नारेली जैन मंदिर, जो जैनाथ जैन मंदिर भी है और ये अजमेर का मुख्य राजमार्ग आठ पर स्थित है और अजमेर का जो मेन बस स्टैंड है वहाँ से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ से जो आवागमन के लिए साधन है वो बस स्टैंड से आपको आसानी से जाएंगे और अच्छी तरीके से आप यहाँ आ सकते हैं। यहाँ ध्यान रखें, बस आने के लिए एक आधार कार्ड जरूर लेके आवे या अन्य कोई भी एक आईडी जरूर लेके आवे ताकि प्रवेश में कोई बाधा ना आवे। दर्शन करवाएंगे और आपको दिखाएंगे क्या यहाँ पे ऐतिहासिक चीज़ें हैं और क्या नवनवीन चीज़ें हैं और इसके जो बाहर अद्भुत जो नज़ारे हैं वो भी आपको इसी वीडियो के अंदर दिखाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और हमारे साथ है रोहन कुमार जेलिया कैमरामैन। आज मैं आपको बताऊँगा कि अपना नारेली जैन मंदिर में पड़ा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कुछ ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा और राइट हैंड साइड में कुछ ऐसी जो अब महात्मा स्वामी के संबंध से कुछ चीज़ें तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको कुछ थोड़ी देर बताता हूँ, इससे पहले मैं आपको वीडियो के दर्शन करवाऊंगा और पूरा मंदिर आपको घुमाऊंगा। ये बहुत ही शानदार मंदिर है, अजमेर के बाय बाग में निकट में स्थित है और ऐतिहासिक है और नवनिर्मित भी है। इसका निर्माण जो अशोक पाटनी और आर के पाटनी के सहयोग से मिलकर हुआ है और ये जो है बहुत ही शानदार मंदिर है। इसमें आपको बहुत सी चीज़ देखने को मिलेगी और बहुत अच्छी चीज़ें हैं और आप अजमेर के अगर निकट हैं या दूर भी हैं तो एक बार ये मंदिर देखने जरूर आए। और अगर आप यहाँ आए तो ध्यान रखें एक अपना आधार कार्ड लेके आए ताकि अपने उसमें दर्शन के अंदर कोई भी त्रुटि ना हो, क्योंकि बिना आधार कार्ड के बिना आइडेंटिटी कार्ड के यहाँ पर एंट्री नहीं हो पाएगी आपकी। जैन मंदिर में दर्शन शुरू करने से पहले कर चुके हैं तो थोड़ा सा विश्राम कर लेते हैं और फिर आपको अंदर के भाग दिखाएंगे कुछ और कुछ जो पहाड़ी के ऊपर स्थित है वो चटियाँ वो भी आपको हम दिखाएंगे। आपकी नई नई शादी हुई है तो और आप अपने जीवन साथी के साथ एक बार ये मंदिर जरूर आए और यहाँ आप अपना जीवन का आनंद लें, क्योंकि यहाँ पर शांति है और बिल्कुल सुख समृद्धि है। ये वीडियो को देख रहे हैं जो भी, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आप आसपास कहीं भी रहते हैं तो इस जैन मंदिर को एक बार दर्शन जरूर करें। ऊपर जाने का एक इसे कह सकते हैं गुप्त रास्ता है जो कि अंदर की ओर से जाता है। यहाँ पे हम सीढ़ियाँ दे सकते हैं, दोनों साइड से सीढ़ियाँ हैं। एक साइड से हम प्रस्थान करेंगे, एक साइड से हमारे प्रिय भाई राजेंद्र प्रसाद बाकुलिया जो जिसने प्रस्थान किया है। तो अब हम मंदिर के जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पर हम प्रस्थान करने जा रहे हैं।
सम्मान है, पत्थर का सम्मान है, तथा एनर्जी हो सकता है या मैं चेतना है वीडियो को देखने की, लाइक करने की, सब्सक्राइब करने की। ये महावीर स्वामी के कुछ उपदेशों में से एक उपदेश है कि पर स्त्री गमन करना, अर्थात किसी पराई स्त्री की तरफ ना देखना और अपने मन को वश में करना। ये संदेश देता है कि करता हूँ आपने नारेली जैन मंदिर, ज्ञानोदय जैन मंदिर है, जो महावीर स्वामी 24वें धर्मगुरु की मूर्ति भी आपको मैंने दिखाई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वीडियो को एक बार बेल आइकन पे जरूर दबा लेना, ताकि अगली बार कोई भी वीडियो आए तो आपके पास तुरंत पहुँच जाए। और हाँ, एक बार फिर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो हेलो गाइस, अगर वीडियो पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद।